रैली तो वसुंधरा राजे की सुराज संकल्प यात्रा के समापन की थी, लेकिन लगा जैसे पूरा मजमा मोदी के लिए सजाया गया था। आगे की कतार में बुर्के में महिलाएं और टोपीधारी पुरुषों की तादाद काफी दिखी। जयपुर के इस मैदान से देश को ये दिखाने की कोशिश की जा रही थी कि मुसलमानों को मोदी से परहेज नहीं। ये और बात थी, इनमें से ज्यादातर भीड़ उन लोगों ने जुटाई थी जो टिकट की आस लिए यहाँ आए थे। नरेंद्र मोदी आ रहे हैं तो ये कोशिश की जा रही है, ये संदेश जयपुर से जाए कि नरेंद्र मोदी सभी संप्रदायों को लेकर चलने वाले हैं। आप किसको सुनने के लिए आए हैं? हम लोग मोदी साहब के भाषण सुनने के लिए आए हैं। क्यों, ऐसा क्या है? ऐसा क्या है कि मोदी साहब सबको साथ लेकर चलने के लिए वादा किए हैं और इसीलिए हम लोग आए हैं। रैली में मोदी के समर्थन में मुस्लिम कार्यकर्ता तो खूब जुटे, लेकिन मोदी के भाषण में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय अपने लिए उम्मीद देख पाए। मोदी की नजर दिल्ली पर टिकी है, लिहाजा निशाने पर राहुल ही थे। मेरे मन में सवाल उठता है कि जयपुर की धरती पर ऐसी क्या बात है कि लोगों को जो भी आते हैं कांग्रेस वाले सबको शहर की याद आती है। भ्रष्टाचार की पाषण शक्ति बढ़ाने की ताकत शहर में होगी ऐसा मुझे लगता है, और इसलिए शायद कांग्रेस के ऊपर से नीचे सबको शहर की याद आती है। राहुल के बाद कांग्रेस की भी बारी आई, हमला करते हुए कांग्रेस को नई ABCD पढ़ा दी। जयपुर का पूरा माहौल ऐसा मोदीमय हुआ कि दूसरे तमाम नेताओं की आवाज मोदी मोदी के शोर के आगे मध्यम पड़ गए। आलम यह था कि खुद मोदी को भी हाथ जोड़कर लोगों से शांत रहने की गुजारिश करनी पड़ी। मोदी थोड़े नाराज भी हुए। आप जानते हैं आप कितना नुकसान कर रहे हैं। सबको साथ लेकर चलने के दावे और कोशिशें तो BJP खूब कर रही है। जयपुर की रैली में मुस्लिम कार्यकर्ताओं को जुटाकर ये साबित करने की कोशिश भी की गई कि मुसलमान मोदी के साथ हैं, लेकिन ये कोशिशें कितनी कामयाब होती हैं ये तो 2014 के चुनावों में ही तय हो पाएंगे। जयपुर से शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो।